दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लाख कोशिश करो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलता? कभी आप कोई अच्छा काम करना चाहो लेकिन फिर भी कर ना पाओ, किसी को हेल्प करना चाहो और कोई रुकावट आए, दान करना चाहो तो कोई मना कर दे, तो इन रुकावटों का कोई कारण है? क्या इसी को अंतराय कर्म कहते हैं? क्या हम इस अंतराय कर्म को बदल सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। अंतराय कर्म क्या होता है, यह कैसे होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं? अंतराय कर्म यानी बांधते हैं और बाद में उसका फल भुगतना पड़ता है, तो बंधा कैसे जाता है? समझ लो कोई आदमी दूसरे को हेल्प करने दान देता है 50 रुपया, आप वहां खड़े हो तो आप देखते हो कि ये आदमी लेता है ये आदमी देता है, तो ये आदमी को देने वाले को आप क्या बोलते हैं? अरे ये मजबूत आदमी को क्यों बिगाड़ते हैं पैसा देके, उसको बोलो मजूरी करे मेहनत करे पैसा कमाए, तो उसको रोकते हो तो रोकने से आपको पैसे का अंतराय गिरेगा, क्योंकि ये दे रहा है ये ले रहा है। आप नहीं हाजिर होते तो अपने आप वो हिसाब पूरा होता था उनका लेना देना, और आपने बुद्धि से दखल की, अपनी बुद्धि से दखल की कि ये आदमी को नहीं देने जैसा है क्योंकि ये मजबूत आदमी है मेहनत करे जैसा है, आप पैसे दिखे बिगाड़ते हो, तो बुद्धि से दखल की और ये आदमी को रोका, तो इसको नहीं मिलने पैसे नहीं मिले तो आपको भविष्य में नहीं मिलेंगे ऐसा बीज डाला आपने, और फ्यूचर में दूसरी लाइफ में आपको ऐसी तकलीफ आएगी पैसे की जरूरत होगी किसी के पास मांगने, अरे कल आते थे तो जरूर मिलता था आज तो हमारे पास नहीं है। 25 आदमी के पास जाओगे तो हर एक आदमी बोलेगा मेरे पास तकलीफ है नहीं दे सकता, तो आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पहले अंतराय गिरा दिए हैं। समझ में आया? तो हर चार्ज कर्म अंतराय कर्म हो सकता है? हर चार्ज कर्म एग्जैक्टली हर चार्ज कर्म जितना भी प्रकार के मोह है वो सचमुच तो आत्मा में रहने का अंतराय ही हो जाता है, पर हम थोड़े क्लासिफिकेशन करते हैं या तो स्थूल स्वरूप से समझना चाहते हैं कि पैसों का अंतराय, यानी शास्त्र में ऐसे लाभ अंतराय, दान अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, ऐसे डिवीजन बताए हैं, मगर सब चार्ज कर्म कभी होता है? अहंकार जब भी होएगा, अज्ञानता होगी तो, और अहंकार जब भी होगा तो आत्मा में रहने का अंतराय तो हो ही गया, यानी सभी प्रकार के चार्ज कर्म से कुछ ना कुछ प्रकार के अंतराय होते हैं, पर हम स्थूल भाषा में देखने जाते हैं कि भाई लाभ मिलना नहीं मिला तो वो अंतराय को ही अंतराय बोला, पर ज्ञान के अंतराय होते हैं, सत्संग के अंतराय होते हैं, सुख के अंतराय होते हैं, कितने प्रकार के अंतराय हो सकते हैं, और लास्ट में आत्मा में रहने के भी अंतराय है। मालूम है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो भी जागृति में नहीं रह सकते, है ना? अंतराय के बहुत प्रकार है, पर सभी प्रकार का मोह वही अंतराय के कारण है। संसार सुख भुगतने का मोह वही संसार में आत्मा में रहने का अंतराय का कारण है। समझ में आया जी? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंतराय यानी ही विघ्न कर्म की। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कई बार खाना रेडी है लेकिन हम खा नहीं पाते, ट्रैवलिंग के समय ट्रेन या फ्लाइट ही कैंसिल हो जाती है, तो ये ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? इसके पीछे क्या कोई साइंस काम कराता है? इसका अंतराय कर्म से कोई संबंध है? दोस्तों, तो ये अंतराय कर्म का रूट कॉज क्या हो सकता है? क्या हमारी डिजायर्स ही उसका कारण है? क्या हम खुद अंतराय डालते हैं और कैसे डालते हैं? क्या हम अंतराय तोड़ भी सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए पाते हैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से। जय सच्चिदानंद। पूज्यश्री, ये जो बात आई ना यहाँ पे कि ये जो प्रतिक्रमण नहीं हो पाते वह प्रकृति दोष है या अंतराय कर्म है, तो दादाजी ने प्रकृति दोष की बात की लेकिन ये अंतराय कर्म उसमें कैसा रहता है? अंतराय यानी क्या है कि अंतराय
है ना, हमारी इच्छा है फिर भी नहीं हो पाता है, वो अंतराय कर्म बोला जाता है। हमें पहुंचना है कि आज सत्संग में जाना ही है, और संजोग ही नहीं मिल पाते, और इच्छा प्रबल है जाना ही है जाना ही है। एक संजोग आया, दूसरा संजोग आया, दो घंटे तक निकल ही नहीं सके घर से और पहुंच ही नहीं पाए, तो ये अंतराय कर्म ने फल दिया, हम नहीं पहुंच पाए। हमें जो प्राप्त करने की इच्छा है और नहीं प्राप्त होता है तो उसको अंतराय कर्म बोला जाता है। तो हमारे प्रतिक्रमण करने की इच्छा है फिर भी नहीं हो पाता है तो ये क्या कहा जाएगा, अंतराय कर्म है कि प्रकृति दोष है? प्रकृति दोष यानी क्या है कि दादाजी ये तो नैमित के अधीन से जवाब है। आगे का एक प्रश्न में ऐसा भी है, ये अंतराय कर्म है वो, उसके लिए प्रतिक्रमण भी मत करो, वो फल देखे जा रहा है उसको देखो कि ये प्रतिक्रमण नहीं हो पाता है, या तो ये दोष हो गया है, अंतराय फल दे रहे हैं, संजोग में नहीं पहुंच पाता है, हमारी इच्छा है हम नहीं पहुंच पाए, तो अंतराय ने फल दिया, खत्म हो जाएगा और देखो जानो मुक्त हो जाओगे। तो ये नैमित अधीन जवाब मिला है। यहाँ प्रकृति दोष की जो बात बताई है ना, प्रकृति ऐसी है कि वो दोष, आगे ऐसे भी बात आती है कि इतना सारा बोझ है काम का तो प्रतिकोण हो ही नहीं पाता उसको, उसको लगता है कि मेरी गलती है, मैं प्रतिकोण करने बैठने, काम का दबाव इतना है कि एक का बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, तो प्रतिकोण ही करना रह गया उसका, तो ये क्या हुआ, तो प्रकृति दोष। और इसका मतलब दुरुपयोग ना हो जाए कि भाई ये प्रकृति दोष है या ये मेरे अंतराय कर्म है। सच्ची बात है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है कि दादाजी ने अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग सत्संग किए हैं, और वो व्यक्ति को इस प्रकार के प्रॉब्लम होने के वजह से ऐसी दवाई बताई उसको। हमें तो कॉमन जो दादाजी की जनरल बात है, शूट एट साइट, अभी वो बात क्यों नहीं पकड़ते हम? ये दोष अतिक्रमण होते ही प्रतिक्रमण करना चाहिए, शूट एट साइट, रोक कैश प्रतिक्रमण, तो ये दादाजी की बात पकड़ो। बुद्धि पकड़ सकती है नेगेटिव, मगर हमें जागृति रखनी है कि बुद्धि ने नेगेटिव पकड़ा तो उसके पास छुड़वा दो, और पॉजिटिव और सच्चे हार्टिली सिंसियरली ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो। बरोबर है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं हमारी जिंदगी में आने वाली रुकावट की, ऑब्स्टिकल की, जी हाँ, अंतराय कर्म की। दोस्तों, जब हम कर्म के सिद्धांत को पहचानते हैं तब अंतराय कर्म को जानना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे हमारी जिंदगी से ये जुड़ा है और कैसे उससे छूटे। पाते हैं सच्ची समझ हमारे अगले सेगमेंट में हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। पूज्य श्री, अंतराय कर्म में परमाणु है या ये मान्यता स्वरूप में है? अंतराय कर्म जब फल देते हैं तब परमाणु स्वरूप से ही फल देते हैं। अच्छा, कॉजेस जब बांधे थे तब हमारी बुद्धि से बांधे थे। एक आदमी को दान देना है, दूसरा दे रहा है, तो हम दखल करते हैं, क्यों दे तो इसको, ये पट्टा आदमी, उसको बोलो काम करे, ऐसा मत दो, बिगाड़ो मत आदमी को। तो हमने लक्ष्मी के अंतराय उसके डाले तो हमें अंतराय कर्म बने गए, तो बुद्धि से अंतराय डाले। हमारा अभिप्राय है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करें, हमारी बुद्धि वापरी हमने, तो वो अंतराय कॉज इस रूपे डाला, और बाद में परमाणु चार्ज होएंगे, दूसरे अवतार हमें अंतराय आएंगे तब परमाणु फल देंगे। हमें लक्ष्मी की ज़रूरत होगी तो मिलेगी ही नहीं। अरे कल आते थे तो तुमको 10,000 जरूर मिल जाता, अभी आज तो तकलीफ है। वो बोलेगा अभी मेरे पास बहुत, अभी लॉकडाउन है, अभी एक पैसा भी नहीं मिल दे सकता। तो ऐसे करते करते 1.5 साल तक तो कोई मिलेगा ही नहीं पैसा देने वाला, क्योंकि हमारे अंतराय कर्म फल दिए। अच्छा, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये अभी जैसे मैंने किसी को रोका, तो मेरा उसके अंदर कोई द्वेष भाव है, वो जो भाव है वो जैसे आप कहते हैं जैसा ज्ञान है वैसा भाव है वैसे परमाणु है, यानी इस वक्त भाव जो है वो नेगेटिव हो गया, द्वेष वाला हो गया, उसका परिणाम स्वरूप आता है? बुद्धि ओवरवाइजनेस, बुद्धि वापरी के, ये आदमी ऐसा है और तुम भोगट का उसको देते हो, एक्सेस बुद्धि का उपयोग किया। हाँ। और बुद्धि से अंतराय गिराए हमारे। अच्छा, बुद्धि वापरी उसका फल आया अंतराय। अंतराय, अच्छा, बुद्धि से हो रहा है ये। तो अभी जैसे मैं मुंबई में थी, इंडिया में रहती थी, तभी मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती थी, और तभी काफी कुछ गलत भाव हो गए, द्वेष वाले हो गए, और आज दुबई में हूँ, 44 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, जा नहीं सकते हैं। तो ये जो अंतराय है कि बाहर निकल ही नहीं सकते, कैसे जाए, काश बारिश हो जाती, तो ये भी अंतराय है या क्या है? नहीं, व्यवस्थित समझो। अच्छा, यहाँ कुछ मिलता है क्या, पैसे वैसे मिलते हैं?
नहीं नहीं कुछ काम के लिए रुकना पड़ता है ना यहाँ पे? हाँ दुबई में, हाँ जॉब है या बिजनेस है कुछ, उसके वजह से तो वही मुख्य कारण है। और बाद में जहाँ भी मिले हमारा बिजनेस चलता है वहाँ रहेंगे, तो ये आ गई सिचुएशन। अच्छा। यानी अभी ये बहुत, ये तो क्या है कि किस वजह से ये हुआ ये चेक करने के लिए हमें तो भी संभव से निकाल किया तो हिसाब पूरा हो गया। अभी तो हमें नई जानकारी हुई किस वजह से, तो चलेगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि पगार यानी पैसा मिलता है तो हम यहाँ रहे, नहीं मिलता होगा तो हम यहाँ से कैनेडा चले जाते थे या तो फिर इंडिया आ जाते थे, डिपेंड समझ लेते, सिमंदर सिटी आ जाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, कुछ वजह से तो इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है किस वजह से, पानी का ये हुआ कि बारिश की वजह से, ये रहस्य नहीं है, ये तो सहजा सहज होता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं अंतराय कर्म की। तो ये अंतराय कर्म क्या है हम थोड़ा सा तो जान पाए हैं, लेकिन ये अंतराय कर्म किस तरह से बांधते हैं, उसकी शुरुआत कहां से होती है, क्या इसके रिजल्ट को अवॉइड किया जा सकता है? अगर ये हमारी ही भूलों का परिणाम है तो फिर सवाल ये होता है कि ये भूल इस जन्म की है या पिछले जन्म की। चलिए ये सारे प्रश्नों के जवाब पाते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। जय सच्चिदानंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद, बोलिए। व्यक्तियों के अभिप्राय के सामने खुद के ही अभिप्राय ज्यादा अंतराय करते हैं, ये अभिप्राय कैसे, किस प्रकार और कहाँ कहाँ पर अंतराय डालते हैं या समझना? एक्चुअली अभी क्या है कि नए अभिप्राय तो बनने का छूट जाएगा क्योंकि हमें शुद्धात्मा का ज्ञान मिला है, 5 आज्ञा में हम रहते हैं, फाइलों का संभाव से निकाल करते हैं, हुआ सो व्यवस्थित, और प्रियंका जुदा है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जागृति सबसे बड़ी हमें मिल गई है। तभी ज्ञान नहीं होता तो सब बात सब व्यवहार में अंतराय के हिसाब बन जाते हैं। अंतराय क्या है कि एक आदमी दूसरे को हेल्प कर रहा है, पैसे का दान दे रहा है, तब उसको दखल करते हैं, अरे ये पट्ठे आदमी को क्यों ज़्यादा पैसे देते हो, बिगाड़ते, उसको बोलो मजूरी करे, मेहनत करे, पैसा मत दो, तो हमने रोका, वही हमारे अंतराय के कारण हुए। ऐसे अरे पापा खाना खाते होंगे श्रीखंड और सब मिठाई कुछ, पापा इतना डायबिटीज से क्यों खाते हो, समझते क्यों नहीं, तो खाने में अंतराय डाले पापा के, तो हमें अंतराय आएंगे। तो ये अज्ञान दशा में, अरे कोई घर में जा भाई है ज़्यादा कपड़े का शौकीन, ज़्यादा खर्चा करता है, तो हम उसको बार बार डांटते रहते, तू तो पैसे बिगाड़ता है, मम्मी पापा ना बोलते तू क्यों खरीदी करता है ऐसे, तो वो भी पैसे कपड़े का अंतराय डाले। ऐसे सब जितनी जितनी चीज़ों में हम दूसरे को रोकते हैं, ये नहीं करना जैसा है, ये मत खाओ, सत्संग के लिए भी अज्ञान दशा में बहुत सारे अंतराय डाले हो डाल डालते हैं, ये बड़े संत आए मरने दो, ये दत्ती गए मत जाने जैसा नहीं, तो अंतराय सत्संग के गिर जाएंगे। ऐसे जितने भी शब्द लोगों के लिए नेगेटिव बोले तो अंतराय आ जाते हैं। अभी ज्ञान के बाद हम जागृत हो गए, हम शुद्धात्मा में आए, अब प्रियंका से कुछ नेगेटिव वाणी निकल गई, उसके पास प्रतिक्रमण कराएंगे तो नए अंतराय गिरने का छूट जाएगा, अभी जागृति रखेंगे हम। समझ में आया ना आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हम जान रहे थे अंतराय कर्म के बारे में, आज हमने जाना कि हमारी कौन सी गलती से हमारी जिंदगी में अंतराय आते हैं, और हमारा सच्चा पुरुषार्थ और स्ट्रांग निश्चय हमें इस ऑब्स्टिकल से कैसे निकाल सकता है। आइए ऐसे ही ज्ञान से परिपूर्ण जर्नी को हर रोज आगे बढ़ाइए, हर रोज सुनना ना भूलें, इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1-877-505-3232 extension 23, और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी।